अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं ड्रामे की और ड्रामे की प्रैक्टिकल यूज़ की। हमने पहले बात की इसकी जो थियोरी, आपको टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए कि ड्रामा लिखना कैसे चाहिए, ड्रामा होता क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं और हम देखते हैं कि जी ड्रामा होता क्या है। सो ड्रामा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक्चुअली सबसे पुराना फॉर्म जो है कहानी बताने का वो ड्रामा है, और ये कोई 5 सेंचुरी BC एंशिएंट ग्रीस में जो है वो कहते हैं इसका ड्रामे का जो है वो एक रूप नज़र आता है वहाँ से, और फिर उसके बाद जो है वो आज दिन तक ड्रामा जो है इंतहाई पॉपुलर हो गया है। तो हम इस सेशन में थोड़े से ड्रामा के एग्जांपल्स देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और फिर थोड़ा सा लिख के भर दिखाऊंगी कि हम ड्रामा जब लिखते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं, उसको हाउ डू वी पेन इट। और ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत पॉपुलर है, और अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी बन सकती है। बिकॉज आजकल तो राइटर्स जो है वो ज़माना चला गया जब वो साइकिल पे जाते थे, अब तो अच्छी खासी कमाई करते हैं। सो ड्रामा इज़ इफ़ इट इज़ समथिंग दैट यू इन्जॉय तो ज़रूर देखिए इसको कि आप एक ड्रामा निगार कैसे बन सकते हैं। पहले एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, बहुत फेमस ये एक पीस है शेक्सपियर का, हैमलेट। Hamlet, oh, that this too, too sullied flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed, he canon against, self-slaughter, oh God, how weary, stale, flat and unprofitable, seem to me all the uses of this world, fie, oh, ah, fie, 'tis an unweeded garden, that grows to seed. Things rank and gross in nature possess it merely. अब जो शेक्सपियर को समझते हैं उस ज़माने के ज़बान के हिसाब से, ये बहुत एक ड्रामेटिक प्ले था जहाँ पर एक प्रिंस जो है वो रियलाइजेशन होती है, वो अपने आप से भी लड़ रहा है, अपने बाप की मौत से भी लड़ रहा है, फिर इस बात को समझ रहा है कि उसकी माँ ने उसके चचा से शादी कर ली, फिर उसको पता चलता है कि उसके चचा ने उसके वालिद को कत्ल किया था। तो ये जो पूरा प्ले है इट इज़ वेरी ड्रामेटिक, एंड हैमलेट इटसेल्फ इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक हीरोज़ दैट देयर इज़। तो हम इस एक्सर्प से देखते हैं कि ये पूरा जो अंदाज़ है लिखने का, जो हैमलेट का अंदाज़ है बात करने का, उसमें ड्रामा है, उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन है लाइफ की, और उसमें ट्रेजिडी है, तो ये उसके बारे में है। अगला हम देखते हैं मैकबेथ। ये भी एक बहुत डार्क ड्रामा है, इट्स अगेन अबाउट मर्डर, एंड दिस इज़ द सीन ऑफ द थ्री, द फेमस सीन ऑफ द थ्री विचेस। इट स्टार्ट्स ऑफ, हमें इंट्रोड्यूस करते हैं हम उन तीन विचेस को। तो एक्ट वन सीन वन, अ डेजर्ट प्लेस, थंडर एंड लाइटनिंग, एंटर थ्री विचेस। फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, in thunder, lightning, or in rain. Second witch, when the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. Third, that will be ere the set of sun. First witch, where the place? Upon the heath, there to meet with Macbeth. Come, Grey Malkin, Paddock calls, anon. Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. That would be ere the set of sun. Where the place? Upon the heath. There to meet with Macbeth. इस पूरे ड्रामे का जो टोन है वो इस एक्ट से सेट हो जाता है कि जी ये ड्रामा जो है इट इज़ अबाउट प्रिडिक्शन, इट इज़ अबाउट हाउ समबडी इज़ ग्रीडी एंड वांट्स मोर, और उस ग्रीड में वो कुछ भी कर सकता है। और ये हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं, मगर जब हम ड्रामे में डालते हैं तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फ्रॉम लाइफ हो जाता है। तो हम अब लिखते हैं और हम जाते हैं उस तरफ कि अब हम अगर ख़ुद एक ड्रामा लिखें तो वो किस तरह होगा। तो जब हम देखते हैं ड्रामे को लिखने के लिए, जब शुरू करते हैं तो हम दिमाग में सोचते हैं कि जी प्लॉट क्या होगा, कैरेक्टर्स क्या होंगे हमारे, सेटिंग क्या होगी,
क्लाइमेक्स क्या होगा, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे आप ड्रामे को शुरू से लेके आखिर तक एक क्लाइमेक्स पे लेकर जाते हैं फिर वापस एंडिंग की तरफ लेकर आते हैं, तो वो क्लाइमेक्स क्या है हमारा और एंडिंग क्या होगी। बहुत सारी चीज़ें और भी हमें देखनी होती हैं एक ड्रामा लिखते हुए, मगर ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम देखेंगे। जब मैं लिखती हूँ तो मैं आई एक्चुअली वर्क इन माइंड मैप्स, में आपको बताती हूँ कैसा कि जी मेन प्लॉट जो है मेरा वो है स्ट्रगल ऑफ मदर्स। अब इसमें मेरे तीन कैरेक्टर्स हैं, मॉम वन, मॉम टू, मॉम थ्री। अब इनके आगे भी इनकी सब स्टोरीज चल रही हैं और वो बेसिकली इसकी एक बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जिसमें से एक सन जो है वो मेन कैरेक्टर है, इसकी डॉटर मेन कैरेक्टर है, इस मॉम के दो बच्चे हैं, और जो सेटिंग है वो बेसिकली हमारी एक सेटिंग है माउंटेनस, एक जगह होगी बहुत ड्रेरी, डार्क, थंडर है, रेन है, ये एनवायरनमेंट है ये पूरा। अब क्लाइमेक्स ये होता है कि ये जो सारे लोग हैं, ऑल ऑफ देम गेट, ये जो सारे जो पूरा कैरेक्टर है ये सारे, दे गेट स्टक इन अ केव विद नो हेल्प, और इनको सर्वाइव करना है। अब इनकी सर्वाइवल है और ये समझ नहीं आ रही इनको कि ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो एंडिंग जो है वो हमने कह दी कि जी एंडिंग ऑब्वियसली वी वांट अ हैप्पी एंडिंग एंड दे गेट रेस्क्यूड। तो हमने अगर देखा तो ये पूरी जो कहानी है हमारी, ये हमने एक माइंड मैप के ज़रिए या एक जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, बुलेट्स में करना चाहते हैं आप बुलेट्स में कर लें, हमने उसका जो एक क्रक्स है वो बना लिया। अब इसको हमने राइटिंग में करना है कि हाउ डू वी पुट इट इन राइटिंग। तो जो इसकी राइटिंग है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। Something scared them. The noises of the night threatened their children's dreams. Nobody else was there to make sure they were fine. It was all up to them. Three women and their children. They knew the cave nearby was their only option, but it scared them too. Their hands intertwined as they gathered the kids still in slumber. Hearts thumping fast in their chests told them they had little time. The path towards that narrow hole in the skirt of the mountain was muddy, and rests of leaves and tree trunks made it more difficult to walk as quickly as they wanted. One of the children fell on the ground. They all stopped. The rain was falling down again. The little boy looked up to his mother, his eyes weary and wet. He was scared. Strong arms held him tight from the muddy path. A few words whispered in his ear told him everything would be fine. A baby girl cried in the short distance as her mother tightened her embrace. They had to speed up. अब ये introduction है और इसी तरह जो कहानी है वो flow करती चली जाएगी और वो बढ़ती चली जाएगी और आप उसको लिखते चले जाएंगे। It'll be interesting to see कि आप लोग इस कहानी को कैसे ख़त्म करते हैं। Plot मैंने आपको दिया हुआ है और आपके पास है, तो इसको ज़रूर अपने फ्री टाइम में कोशिश कीजिए कि यही जो शुरुआत आपको मैंने दी है इसी को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म कीजिए। शुक्रिया।